सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे मनीष जी और आप सभी हमारे गणमान्य जितने भी अतिथि हैं, प्लीज गिव योरसेल्फ्स अ बिग हैंड और साथ में वन ऑफ आवर फेवरेट बैंड्स इंडियन ओशन, आप सभी का स्वागत है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिमाग तभी काम करता है कि जब वो खुला होता है, बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है, और उसका जो यंत्र है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उस दिमाग को खोलने की, वो है शिक्षा। और उस शिक्षा की जो अहमियत है, उसकी इंपॉर्टेंस आप सभी उसको समझते हैं। हम एक शिक्षित समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अभी भी उस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। और एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली सरकार का भी, और जितने भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारा समाज पहले से कहीं ज़्यादा एक शिक्षित समाज हो, सभ्य समाज हो, ताकि हम विश्व स्तर पर और आगे बढ़ सकें। मैं सभी जितने भी हमारे मीडिया से जो मित्र हैं, दोस्त हैं, आई एम वन ऑफ यू, तो मैं आपको एक स्पेशल वेलकम देना चाहता हूँ। मेरा नाम है सचिन साहनी और कलाकार भी हूँ, एक रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, और उसके साथ साथ आप ही की अलग अलग कंपनीज में से यहाँ तक पहुँच गया हूँ। सो सच में आप सभी को रिप्रेजेंट करते हुए और आपके और दिल्ली सरकार के बीच में एक माध्यम बनते हुए मुझे भी बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस बहुत ही ख़ास साल में जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से एक भव्य आयोजन, और बात सिर्फ उस भव्य आयोजन में एक ग्रैंड म्यूजिकल की नहीं है, वो ग्रैंड म्यूजिकल जिनके बारे में है, उस व्यक्तित्व के बारे में है, वो व्यक्तित्व जिसने बहुत कुछ जीवन में चाहे सहा, डिस्क्रिमिनेशन कहें या कुछ भेदभाव, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे राह पर चल पड़े जिसको सब लोग देखकर ना सिर्फ उनको गौरव महसूस हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने पीड़ित समाज के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए बहुत काम किया। तो अब उनके जीवन मूल्यों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, वी कैन लर्न सो मच एंड वी कैन जस्ट टेक दोज क्यूज, कि जैसे कहते हैं ना कि वो पुराने कुछ क्रम्स को छोड़ के जाता है, हम उनके रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन वो बातें हमारी किताबों में बचपन से हैं, लेकिन वो बातें, वो उनके जीवन मूल्य, वो उनके आदर्श B.R. अम्बेडकर जी के, वो लोगों को किस तरह से ऐसे समझाए जाएं, ऐसे दर्शाए जाएं कि उनको सच में लगे कि हाँ, ये एक महान व्यक्तित्व रहा है।